तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो वीडियो में लेकर आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये वीपीएच लाइन के ऊपर है कि अगर हमारे पास जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आ रहे हैं, इस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में वीपीएच लाइन क्या है। इस वीपीएच लाइन को वीसिस लाइन भी कहते हैं। सबसे पहली बात, क्या वीपीएच लाइन क्या है और इसका मोबाइल फोन में रोल क्या है, मोबाइल फोन में क्यों उसका उपयोग किया जा रहा है और इसके खराब होने से मोबाइल फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर मोस्टली अगर हमारे मोबाइल फोन यदि हैंडसेट डेड हो रहे हैं, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन डेड हो रहे हैं, तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हो जाती है। तो वो शॉर्टिंग बैटरी कनेक्टर में दोस्तों नहीं दिखती कि बैटरी कनेक्टर में आप देखोगे तो बैटरी कनेक्टर में बीप आएगा या बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर दोनों तरफ से बीप साउंड आएगी तो आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग आप उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर आप उसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक करते हैं तो डीसी पावर सप्लाई मशीन उसको शॉर्टिंग में तब्दील कर देता है। वो बोलता है कि मतलब मोबाइल फोन आपका शॉर्ट है, ये सारी चीजें पता चलती है। तो आज हमारे दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है, ये वीपीएच लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। यदि वीपीएच लाइन मोबाइल फोन के अंदर शॉर्ट हो जाती है तो आपके मोबाइल फोन में क्या प्रॉब्लम आती है, इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और इस चीज को हम लोग आज सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, जिसमें सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका, पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा ए टू जेड जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सिखाया जाता है और बिल्कुल बेसिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके सभी चीजों के बारे में ट्रेनिंग आपको मिलता है और जो भी बच्चे आते हैं पूरा सीख करके ही जाते हैं। और हम लोग जो दोस्तों जो वीडियो लेकर के आए हैं ये डेड मोबाइल फोन के ऊपर टॉपिक है। डेड फोन के ऊपर हम लोग 50 टॉपिक लेकर के आए हैं, 50 टॉपिक। कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है उस डेड मोबाइल फोन के अंदर 50 टॉपिक लेकर गए, 50 टॉपिक लेकर गए कि डेड मोबाइल फोन के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स आएगी उन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, उसको ठीक करने का तरीका क्या है, उसको ठीक करने का सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। तो हमारा दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है कि वीपीएच लाइन वी बस लाइन या ब्रेक हो जाती है, शॉर्टिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, इसका तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है, वीपीएच लाइन जो होती है आपके बोर्ड के अंदर, या इसको वीसीस लाइन भी कहते हैं, सैमसंग के फोनों में वीसीस लिखा होता है या क्वालिकॉम के मोबाइल फोन में इसको वीपीएच लिखा जाता है, कुछ मीडियाटेक के मोबाइल फोन में इसको वीसीस लिखा होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये वीपीएच पहली बात तो बनता कैसे है। वीपीएच कभी डायरेक्टली बनता, अपने मन से नहीं बनता। वीपीएच को बनने के लिए सबसे पहली बात, जब बैटरी कनेक्टर से जब सप्लाई आपकी आती है तो बैटरी कनेक्टर के बाद सप्लाई जो जाती है उसके बाद वीपीएच क्रिएट होता है। अब बैटरी कनेक्टर के लिए आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग से सप्लाई आती है, तो चार्जिंग से सप्लाई जब हमारी किसी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है तो चार्जिंग आईसी से बैटरी के लिए वीपीएच भी क्रिएट होता है और बैटरी कनेक्टर के लिए भी सप्लाई जाती है। लेकिन ये जो वीपीएच की सप्लाई होती है, ये वीपीएच की सप्लाई बैटरी कनेक्टर से होते हुए चार्जिंग आईसी से तब बनती है, या चार्जिंग जैक से सप्लाई आती है, जैक से सप्लाई चार्जिंग आईसी पर जाती है, चार्जिंग आईसी के बाद तब वीपीएच क्रिएट होता है। तो ये वीपीएच वोल्टेज से पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के पहले के जो मोबाइल फोन आते थे वो पहले के मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता था, ऑपरेटिंग का जो तरीका होता था वो वी बैट का मतलब होता है कि जो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर की जो वी बैट की जो पॉजिटिव सप्लाई होती थी ये 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट की होती थी। अब जब बैटरी फुल चार्ज होती थी तो 4.2 प्रेजेंट होता था, जब बैटरी डाउन होती थी तो 3.7, उसके बाद फोन बंद हो जाता था। अब यही जो 3.7 4.2 वोल्टेज आपके पूरे मोबाइल फोन के अंदर सर्किट के अंदर घुसता था, जैसे लाइट आईसी होती थी उसको भी बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट सप्लाई जाती थी, पीएफओ आईसी होती थी उसको भी बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट सप्लाई जाती थी। इससे क्या होता था कि हमारे मोबाइल फोन में बैटरी की जितनी ज्यादा कंजप्शन होता था उसी ज्यादा कंजप्शन का यूज होता था, बैटरी हमारी डाउन हो जाती थी। जब से स्मार्ट सर्किट बनाए गए, स्मार्ट सर्किट का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चले और उसका सीपीयू के पास में पूरा फुल कंट्रोल हो, ताकि सीपीयू अगर उसको ये बोले कि भाई बैटरी अगर डाउन हो गई है तो उसको कम खपत करना है, कम यूज करना है, कुछ सर्किट को बंद करना है, कुछ सेक्शन को चालू रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन उनको चालू रखना है, ये सारी चीजें जो होती है वो सीपीयू के अंदर कमांडिंग होती है। तो जब सीपीयू के अंदर कमांडिंग होती है तो उसी हिसाब से उस तरीके से कंट्रोलर सर्किट तैयार किए गए मोबाइल फोन को चलाने के लिए। इसीलिए क्या है कि अब जितने भी मोबाइल फोन, जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, वो बेसिस चाहे तुम्हारे मोबाइल फोन क्वालिकॉम बेस के हों, या मोबाइल फोन मीडियाटेक बेस के हों, या मोबाइल फोन एक्सनॉस के हों, या मोबाइल फोन एसपीडी से,
इसमें अभी भी पूरे मोबाइल फोन में चलाने के लिए वीपीएस सर्किट का यूज किया जाता है, या कुछ अभी भी ऐसे मोबाइल फोन है जिसमें वी बैट के डायरेक्ट सप्लाई का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा छोटे कैटेगरी के मोबाइल फोन है। लेकिन जो बड़े कैटेगरी के मतलब मोबाइल फोन है, जो अच्छे मोबाइल फोन है जिसके अंदर फुल्ली स्मार्ट मोबाइल फोन है, तो उसके अंदर इस तरीके के वीपीएस सर्किट का यूज किया जाता है, और इस सर्किट के माध्यम से हमारा पूरा मोबाइल फोन ऑपरेट होता है, हमारा पूरा मोबाइल फोन चलता है। अब देखिए ये सर्किट काम कैसे करता है, वीपीएस सर्किट मोबाइल फोन में कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, और सर्किट बनाता हूँ, सर्किट के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि आप सिमेटिक भी ओपन करूंगा, सिमेटिक के माध्यम से कैसे वीपीएस क्रिएट हो रहा है, वीपीएस की पहचान कैसे करी जाएगी, वीपीएस को पहचानने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा। ये जो मैंने आपको बताया ये लॉजिकली वीपीएस सप्लाई कैसे बनती है, अगर आप देखेंगे जैसे आप बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाते हैं तो वो सप्लाई डायरेक्ट चार्जिंग आईसी पर जाती है, वीपीएच वोल्टेज बन जाता है, पूरा मोबाइल फोन ऑटोमेटिक, मतलब वीपीएच को बनने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे बैटरी कनेक्टर लगाते थे सबको सप्लाई जाती थी, वैसे ही सप्लाई जाती। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि वीपीएच हमारे मोबाइल फोन में बनता कैसे है और इसका बनने का तरीका क्या है। वीपीएच को बनने के लिए, वीपीएच का कैसे वोल्टेज बनना है, इसको बनने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप मोबाइल फोन के अंदर वीपीएच के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। जैसे मैं एक चार्जिंग आईसी ले रहा हूं, चार्जिंग आईसी के मैं सर्किट को आपके सामने मैं आपको समझाता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए, जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन है, ऐसा नहीं कि हम मोबाइल फोन हमेशा मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाएंगे तो ही वोल्टेज बनेगा, बैटरी है उससे चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर जो लगा होता है, बैटरी कनेक्टर की एक पिन माइनस होती है, एक पिन प्लस होती है। ये प्लस सप्लाई के बीच में आपका बीच में LVR भी लगा होता है, 010 ऐसा फिजिबल रजिस्टर लगा होता है, एक आपका कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के बाद सप्लाई आईसी के अंदर चली जाती है। यह जो सप्लाई जा रही होती है कितना जा रही होती है, 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट का मतलब जितना बैटरी चार्ज है, जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज दे रहा है। अब बैटरी जो होती है हमारी, जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो बैटरी 4000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh, ऐसे अलग अलग mAh की बैटरी यूज होती है। बैटरी के अंदर ऑलरेडी हमारा वोल्टेज स्टोर होता है, ये वोल्टेज हमारा हाई एम्पियर वे में होता है, जो स्टोरेज वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज यहाँ से चलता है, और वोल्टेज से चलने के बाद कहाँ पर जाता है, चार्जिंग आईसी पर जाता है। चार्जिंग आईसी से मोबाइल फोन में आगे सप्लाई निकलती है, बीच में आपका डायोड का यूज किया जाता है, कैपेसिटर यूज होता है, कॉइल यूज होती है, उसके बाद सप्लाई आपके बाहर निकलते हैं। अब ये जो कॉइल लगी होती है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी जो लगी होती है, चार्जिंग आईसी के पास में जो मोटी सी कॉइल लगी होती है ये आपकी बक कॉइल होती है। ये जो कॉइल लगी होती है इस कॉइल में एक छोटा सा डॉट भी लगा होता है, इस कॉइल के पास में एक डायोड कैपेसिटर लगा होगा, एक आपका डायोड लगा होगा। इस सर्किट को जब आप इस तरीके के सर्किट आप देखते हुए पाते हो तो इससे आप ये समझ जाते हो कि ये चार्जिंग आईसी से हमारा जो मोबाइल फोन में निकलने वाला है ये हमारा वीपीएस सर्किट है। कौन सा सर्किट है? वीपीएस सर्किट। जब वीपीएस सर्किट है वीपीएस से वोल्टेज निकलते हैं। अच्छा, वीपीएस इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज आउटपुट किया जाए ये बिल्कुल कांस्टेंट 3.7 वोल्टेज होते हैं, 3.7, 3.65 इस तरीके से बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स वोल्टेज होते हैं। ये फिक्स वोल्टेज के साथ साथ में इस वोल्टेज के साथ में जो इसका एम्पियर होता है वो एम्पियर भी हाई होता है। एम्पियर हाई का मतलब जो वोल्टेज का जो फ्लो होता है वो फ्लो कैसा होता है, फास्ट होता है। अब इस वोल्टेज को फ्लो को फास्ट क्यों किया जाता है, फास्ट इसलिए किया जाता है, जैसे आपके घर है, आपके घर में पानी की टंकी रखी है, पानी की टंकी से क्या होता है कि जब पानी आता है तो पूरे घर में जितने सारे अलग 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 कमरे होते हैं सारे कमरों में पानी आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सभी कमरे के सारे को एक साथ खोल देते हैं, नल को खोल देते हैं, तो क्या होता है कि जब पानी तो ऊपर एक ही वाल से आ रहा है लेकिन वो 10 जगह पर डिवाइड हो रहा है, तो जब 10 जगह पर डिवाइड होगा तो सब जगह जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा, सबके बराबर फ्लो नहीं मिलेगा, एक को खोलोगे तो तेज मिलेगा, जैसे 10 खट 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 खुलते चले जाएंगे तो फ्लो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर सर्किट्स होता है, तो हमारे मोबाइल फोन के जो वीपीएस सर्किट होता है, वीपीएस सर्किट से हमारे मोबाइल फोन के अंदर सभी अलग अलग जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के सर्किट
जो सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट पूरे मोबाइल फोन में किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन को चला रहे होते हैं, उस सर्किट को जब 3.7 वोल्टेज आता है तो उस वोल्टेज का फ्लो कम ना पड़े, ताकि फ्लो सबको बिल्कुल प्रॉपर बराबर वे में फ्लो मिल जाए और सभी को बराबर वे में वोल्टेज, जिसके कारण से हमारे एम्पियर को जनरेट किया जाता है, एम्पियर को हाई किया जाता है, जिससे हमारा एम्पियर क्रिएट किया जाता है। अब ये जो सप्लाई होती है ये आपके मोबाइल फोन के अंदर यूज होने वाली जैसे पावर आईसी है, पावर आईसी को सप्लाई जाती है, फिर यही सप्लाई जो होती है आपके मोबाइल फोन के अंदर पीएफओ को जाती है, ये चाहे तुम्हारा 2G पीएफओ हो या तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर 4G पीएफओ हो या आपके मोबाइल फोन के लिए एपीटी आईसी यूज हो, ये भी नेटवर्क के लिए यूज करी जाती है, या आपके मोबाइल फोन के अंदर एलडीओ सर्किट्स हो, या आपके मोबाइल फोन में लाइट सेक्शन हो, या आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक सेक्शन हो, या आपके मोबाइल फोन में ऑडियो रिंगर सेक्शन हो, तो इस तरीके से जो वीपेज वोल्टेज निकलता है, तो वीपेज वोल्टेज निकलने के बाद मोबाइल फोन तो मोस्टली जो ऑलराउंड में जो वर्क करने वाले फोन होते हैं उन सभी फोनों को ये वोल्टेज खट 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 करके अलग अलग जगह पर अलग अलग आईसीओ पे पहुंच जाता है। ये किस लिए पहुंच जाता है, ताकि ये जितने सारे सेक्शन हैं ये सारे सेक्शन पावर आईसी के ऑन होने से पहले ही वोल्टेज के रूप में एक्टिव हो सके, काम कर सके, काम करने के लिए तैयार हो सके। सिर्फ इसको क्या दी जाती है, जैसे आप कोई काम के लिए है तो कोई आपको पहले से जगा देता है, भाई जाग जाओ, ताकि तुमको कोई बोलेगा चलो ये काम करो तो फट से काम पर लग जाओ, यानी कि जब तुमको काम बताया जा रहा है तुम सो रहे हो जाग रहे हो, तो ये क्यों, क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले जितने सारे सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन को वीपीएस सप्लाई डायरेक्टली पहुंच जाती है। जब डायरेक्टली सप्लाई पहुंच जाती है तो ये मोबाइल फोन के अंदर ये सारे सेक्शन हमारे एक्टिव हो जाते हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ इनको क्या चाहिए होता है, कमांड चाहिए होता है कि भैया काम करना है कि नहीं करना, बस ये। तो जब ये सारी सप्लाई इस पर पहुंच जाती है तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर वीपीएस के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहली बात आपको ये चेक करना है कि पहले सबसे पहला काम ये करना है कि मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करना है। क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करना है। जैसे ही आप मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करते हो, वीक पॉइंट को सेट करने के बाद वीक पॉइंट रेड पिन को ग्राउंड पर लगाना है, ब्लैक लेना है, ब्लैक वाली पिन को जैसे आप कॉइल के पॉइंट्स पे, मैं डिफरेंट कलर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे इस कॉइल के पॉइंट्स पे चेक करते हो, डायोड या कैपेसिटर के पॉइंट्स पे चेक करते हो, जो वीपीएच के ट्रैक में लगे होते हैं, जो वीपीएच के ट्रैक से जुड़े होते हैं, जब आप इसमें चेक करते हो तो इसमें चेक करने पर दोस्तों आपको जीआर वैल्यू आना चाहिए। ये जीआर वैल्यू कितना होना चाहिए, समथिंग 300 से लेकर के अप्रोक्सीमेट 600 तक ऐसा जीआर वैल्यू आना चाहिए। जब यहाँ पर चेक करते हो तो जीआर वैल्यू आता है, जीआर वैल्यू को बोले तो ग्राउंड रीडिंग। ये इसलिए चेक करते हैं ताकि आपके मोबाइल फोन में इस वीपीएच के लाइन में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर जब यहाँ से ग्राउंड रीडिंग से जब आप चेक करते हैं तो इसके लाइन में अगर शॉर्टिंग नहीं होती है तो इसका मतलब होता है कि वीपीएच की सप्लाई जो अगर आप देख रहे होंगे समझ रहे होंगे ये कई सारे अलग अलग सेक्शन में एक ही सप्लाई दौड़ रही है। जैसे आपके घर में फेस नहीं होता कि फेस जब करंट आता है तो फेस करंट वही करंट पूरे सब जगह पर खट 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 सब जगह पर घूम जाता है, वही तुम्हारा लाइट पर जाता है, वही पंखे पर जाता है या इन्वर्टर पर जाता है और भी जितने सारे सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन पर जाता है। तो ये आपकी जो फेस सप्लाई होती है वो फेस सप्लाई ही मोबाइल फोन में सब जगह पर दौड़ रही होती है, मतलब प्लस सप्लाई ही सब जगह पर दौड़ रही होती है, वही प्लस सप्लाई हमारी कौन सी होती है, वीपीएच होती है। अब ये जब 3.7 सप्लाई सब जगह पर दौड़ रही होती है जिससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। अब यही लाइन जब आपकी शॉर्ट हो जाएगी तो आपका तो मोबाइल फोन डेड हो ही जाएगा, कॉमन सी बात आती है। तो आप मल्टीमीटर को वीक पॉइंट पर सेट करेंगे और रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर क्या आना चाहिए, वैल्यू। अगर ग्राउंड रीडिंग वैल्यू आती है तो आपका लाइन से अगर यहाँ पर बीप आती है तो बीप आने से तुमको दोस्तों ये पता चलेगा कि आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। क्या शॉर्टिंग है, आपके मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। मदरबोर्ड में शॉर्टिंग का मतलब होता है वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है। जब वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होती है तो अब आपको ऐसी सिचुएशन पर क्या करना होता है, मोबाइल फोन में से ये जो कॉइल लगी होती है इस कॉइल को दोस्तों रिमूव करना होता है। जैसे कॉइल से रिमूव करते हैं तो कॉइल में रिमूव करने से हमारे चार्जिंग आईसी के एक सर्किट से कॉइल हमारी ओपन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हम मोबाइल फोन के अंदर दो अलग अलग सर्किट को कर लेते हैं, मतलब वीपीएस सर्किट को अलग कर लेते हैं और बाकी पूरे मोबाइल फोन का जो अदर सर्किट होता है उस सर्किट को अलग कर लेते हैं। तो ऐसा करने के बाद जब चेक करते हैं तो अगर आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हट जाती है तो चार्जिंग आईसी की तरफ शॉर्टिंग होती है या पावर आईसी की तरफ या अदर सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग होती है, इस चीज को हमको क्लियर करना होता है अगर वीपीएस की लाइन में बीप आती है तो। अगर दूसरी तरफ पावर चार्जिंग आईसी की तरफ बीप नहीं आ रही है तो आपका चार्जिंग आईसी का सर्किट ओके है, अगर दूसरी तरफ बीप आ रही है तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फोन में चाहे 2G 4G पीएफओ एलडीओ लाइट इनमें से कोई भी एक चीज अगर शॉर्ट हो जाएगी तो आपका पूरा वीपीएच लाइन बीप देगा, तो आपको
ए टू जेड जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन को चलने के लिए बीच में कंपनी जब बनाती है मोबाइल फोन को, तो जैसे लाइट के लिए बीच में कॉइल डाल देती है, ग्राफिक के लिए भी कुछ कॉइल डाल देती है, रिंगर के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स रजिस्टर या कॉइल लगा देती है। तो इस तरीके से एक एक करके जितने भी सारे सर्किट्स होते हैं, सारे सर्किट को जहां पर वीपीएच जा रहा होता है उस चीज को वन बाई करके ब्रेक करके देखना होता है, जिससे आप वीपीएच की लाइन की शॉर्टिंग को मदरबोर्ड में अच्छी तरीके से चेक कर सके और अच्छी तरीके से पहचान सके। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल फोन के अंदर वीपीएच सर्किट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और वीपीएच सर्किट खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखना है कहीं हमारा वीपीएच सर्किट ओपन तो नहीं हो गया, ये आईसी खराब हो गया जिस कारण से वीपीएच वोल्टेज नहीं बन रहे, ऐसा तो नहीं हो गया। तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सबसे पहले अपने बैटरी कनेक्टर में बैटरी को लगाएंगे, और बैटरी को लगाने के बाद ब्लैक वाली पिन को ग्राउंड पर रखेंगे। अब जब इस कॉइल पर चेक करेंगे तो इस कॉइल पर चेक करने पर 3.7 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अगर 3.7 वोल्टेज मिल रहा है तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये वोल्टेज हमारा चार्जिंग आईसी तक प्रॉपर पहुंच रहा है, और चार्जिंग आईसी अपने पास से वीपीएच वोल्टेज निकाल रही है जिससे आपका पूरा मोबाइल फोन चलेगा। तो अगर यहाँ पर भी वीपीएच वोल्टेज नहीं बनता तो ऐसे भी सिचुएशन आती है, तब भी आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन पर कॉइल या सिर्फ चार्जिंग आईसी को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसी पोजिशन पर हैंडसेट आपका डेड आएगा। तो इस तरीके से आप वीपीएच की लाइन को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब दोस्तों मैं इसी चीज को मैं आपको मदरबोर्ड में एक बार चेक करके बताता हूँ, मदरबोर्ड में समझाता हूँ। अब इस वीपीएच सर्किट को हम लोग सबसे पहली बार सिमेटिक से देखते हैं, और सिमेटिक के बाद फिर हम लोग बोर्ड में वॉच करेंगे। जैसे मेरे पास एक रेडमी का नोट 6 प्रो मोबाइल फोन है, इस रेडमी 6 प्रो को मोबाइल फोन को मैं वीपीएच लाइन को आइडेंटिफाई करना बताऊंगा, और इसकी शॉर्टिंग को चेक करना बताऊंगा। जीआर वैल्यू भी जो मैंने आपको समझाया है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहली बार हम सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद सबसे पहली बार हम लोग बोर्ड न्यू अपना ओपन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, Redmi 6 Pro को ओपन करेंगे, क्योंकि Redmi 6 Pro का मेरे पास मदरबोर्ड है। देखिए तो ये हमारे मोबाइल फोन में सबसे पहली बात मैं चार्जिंग आईसी को ओपन किया है। जैसे मैंने चार्जिंग आईसी को ओपन किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा करिए सर, ये देखिए ये आपकी जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे ये वीबस की सप्लाई चाहिए होती है। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, हाँ ये वीबस की सप्लाई जो आती है इस चार्जिंग आईसी को, जब वीबस की सप्लाई कहाँ से आती है, 5 वोल्ट सप्लाई आती है। जब ये 5 वोल्ट सप्लाई चार्जिंग आईसी को आ जाएगी तो सप्लाई क्या करेगी, इसको थोड़ा सा बीच में लाइए, छोटा करके सेट करके अच्छे से। जब आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी क्या काम करती है, चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली बार जब 5 वोल्ट सप्लाई आती है, तो 5 वोल्ट सप्लाई जब चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो जाती है, तो चार्जिंग आईसी क्या काम करती है, अपने पास से 2 करंट को सप्लाई को जनरेट करती है। एक सबसे पहली बार सप्लाई जनरेट करती है वीबेड के लिए, जिससे तुम्हारी बैटरी को चार्ज होती है। दूसरी बात, इसी से आपका वीपीएच बनता है। इस वीपीएच सप्लाई जो होती है ये कैपेसिटर पर जाती है, कैपेसिटर से होते हुए कॉइल पर जाती है, बूस्ट कॉइल यूज की जाती है, बक कॉइल यूज की जाती है, बक कॉइल से सप्लाई फिर आपकी इसी आईसी पे आती है, जिससे आपकी स्विचिंग होती है। यहीं पर आपका एक डायोड का यूज किया जाता है। ये स्विचिंग करने का सिर्फ एक ही मतलब है, ये वोल्टेज नहीं बढ़ाया जा रहा, वोल्टेज जितना 3.7 है वो 3.7 उतना ही है, लेकिन यहाँ पर जो बक कॉइल यूज की गई है, तो बक कॉइल यूज करने का मतलब होता है यहाँ पर एम्पियर के फ्लो को बढ़ाया जा रहा है। फ्लो का मतलब जो करंट 3.7 ही है, लेकिन 3.7 फास्ट उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो करंट वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज की मात्रा नहीं बढ़ेगी, 3.7 तो 3.9 हो जाएगा, 3.10 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या बढ़ाया जा रहा है, एम्पियर को बढ़ाया जा रहा है। एम्पियर इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर करंट में कुल मिलाकर क्या, मोटी भाषा में ये कह सकते हैं कि करंट में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। प्रेशर इसलिए बढ़ाया जा रहा है, फ्लो को इसलिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सर्किट जो हैं वो प्रॉपर वे में काम कर सकें, प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, वो सारे जो प्रेशर होते हैं वो एक साथ कंजप्शन नहीं करते, वो जब प्रेशर को कंजप्शन करते हैं तो उस समय पर इतना एम्पियर जनरेट हो जाना चाहिए, और जब आईसी उस एम्पियर को बना करके देगी, क्यों, क्योंकि उतना उसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी तरीके से जो वीपीएच कॉइल यूज की जाती है, ये क्या काम करती है, 3.7 वोल्टेज
3.5 से लेकर के 4 एम्पीयर तक के सप्लाई को जनरेट करती है, जिससे आपके मोबाइल फोन के जितने भी सारे सर्किट होते हैं वो सारे सर्किट चलते हैं। अब अच्छा, इसको चेक कैसे करना होता है? इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीमीटर को वी पॉइंट पर सेट करना पड़ता है। मल्टीमीटर को वी पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन को तुमको ग्राउंड पर लगाना पड़ता है। ग्राउंड पर लगाने के बाद अब आप इस कॉइल के किसी भी एक तरफ, इस तरफ डायोड पे, जब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्तों बीप नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बीप आती है तो बीप आने से आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो वीपीएच लाइन है वो वीपीएच लाइन शॉर्ट हो गया है। अब वीपीएच लाइन शॉर्ट होने का मतलब वीपीएच लाइन बहुत अलग अलग वेरियस अलग अलग सारे सेक्शन में जाता है। अगर आप खाली चार्जिंग डाटा में देखेंगे तो सिर्फ वीपीएच बना करके ऐसे बॉन्ड छोड़ देता है और उसको जब अलग अलग जगह पर प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, तो उस चीज को दिखाता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसको सर थोड़ा सा छोटा करिए। जैसे वीपीएस सप्लाई यहाँ पर बन के छोड़ दिया है, अब इसको छोटा करें ये। अब जैसे वीपीएस सप्लाई यहाँ से निकली, अब मान लिया मैंने मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन देखना है, तो जैसे आप मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क ओपन करेंगे, नेटवर्क ओपन करेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो यही वीपीएच वोल्टेज है जो यहाँ से निकला हुआ है। ये वोल्टेज निकलने के बाद ये तुम्हारा, छोटा करिए, ये जैसे आपके मोबाइल फोन में 4G PFO लगा हुआ है, ये 4G PFO को सप्लाई जा रही। अगर कल को तुम्हारे 4G PFO के पास में ये वाला कैपेसिटर जो लगा है, ये कैपेसिटर में अगर आप देखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा माइनस होगा, ये प्लस है। अगर कल को ये वाला भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपके मोबाइल फोन में सब जगह पे बीप आएगी, तो सब जगह पे बीप आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। फिर और सर दिखाइए जरा वीपीएस लाइन को, ये देखिए वही वीपीएच लाइन आपके मोबाइल फोन में इस कैपेसिटर डायोड से होते हुए आपके कहाँ पर जा रही है, 2G PFO को जा रही है। अब इसको भी काम करने के लिए वीपीएच की 3.7 सप्लाई चाहिए। अगर कल को तुम्हारी इस लाइन में कैपेसिटर डायोड अगर ये कल को शॉर्ट हो जाएगा तभी आपका पूरा वीपीएच शॉर्ट बताएगा। जब पूरा वीपीएच शॉर्ट बताएगा तो आपको मदरबोर्ड के अंदर वीपीएच की सप्लाई जहां जहां पर जा रही है उतने सारे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने नेटवर्क ओपन करके दिखाया, अब सर जरा कोई दूसरा सर्किट ओपन करके बताइए। रिंगर का सर्किट ओपन करिए, जरा लाइट का सर्किट ओपन करिए। ये मैं लाइट सेक्शन ओपन कर दिया, लाइट सेक्शन को जैसे मैंने ओपन किया, लाइट सेक्शन को काम करने के लिए ये सेम वही वीपीएच पावर जो है वो लाइट सेक्शन को भी आ रहा है। फिर आप ग्राफिक सेक्शन को ओपन करिए, छोटा करिए, माइक स्पीकर रिंगर को ओपन करिए। अब देखिए ये सेम वही वीपीएच सप्लाई, वही वीपीएच 3.7 वोल्टेज वीपीएच पावर, ये 3.7 वोल्टेज ये कहां पर जा रहे हैं, कॉइल के माध्यम से आपके ऑडियो आईसी के अंदर जा रहे हैं, रिंगर आईसी के अंदर जा रहे हैं, जिससे आपका साउंड सिग्नल एम्पलीफाई होगा। तो जब तक इन सारे छोटे छोटे सर्किट्स को वोल्टेज नहीं दिया जाएगा तब तक ये सारे सर्किट काम नहीं करने वाले। और इन सारे सर्किट को वोल्टेज कहाँ से बनता है, वीपीएच। तो अगर आपका वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हमारा मोबाइल फोन आंसर डेड हो जाता है। तो हमने आपको अलग अलग तरह के जितने भी सारे सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन को मदरबोर्ड में वीपीएच को चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया कि कहाँ कहाँ पर सप्लाई कैसे कैसे पहुंचती है, और मैंने आपको सेमेटिक्स को देखना भी बताया। अब इसी चीज को हम लोग एक बार मदरबोर्ड में चेक कर लेते हैं। सर आप नीचे लाइए ताकि मैं मदरबोर्ड में सबको अच्छे से चेक करके बता सकूं। मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में सबसे पहली बात मैं आपको चेक करके बताता हूँ वीपीएच लाइन को। मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट सेट करेंगे। बी पॉइंट सेट करने के बाद चेक करेंगे, जैसे ही हमारे मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी लगी है, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा है, बैटरी कनेक्टर से आप चेक करेंगे। सबसे पहली बात इसमें से एक लाइन माइनस है, जो माइनस लाइन है वो तुम्हारा नेगेटिव है। अगर आप चेक करेंगे तो मैं इसको यहाँ पर रख करके आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट सेट करके चेक करेंगे तो हमने माइनस पर चेक किया तो माइनस में चेक करने में बी पा रहा है। उसके बाद जब हमने वी बैट की लाइन को चेक किया तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, जी आर वैल्यू आ रहा है, तो प्लस की लाइन हमारा सही है। ये प्लस की लाइन सप्लाई हमारी कहाँ पर जाएगी, चार्जिंग आईसी पे जाएगी, चार्जिंग आईसी से कनेक्टिविटी होगी। ये हमारी जो लगी पावर आईसी लगी है। इस मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे थे तो यहाँ पर वी बस की सप्लाई आ रही थी 5 वोल्ट। जब 5 वोल्ट सप्लाई इसके अंदर चला जाएगा तो ये देखेंगे कॉइल लगी है, कॉइल के बाद में डायोड लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये दोस्तों तुम्हारा वीपीएच वोल्टेज जनरेट हो रहा है। कौन सा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वीपीएच वोल्टेज। अब आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट सेट किया, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल को चेक करेंगे, क्या करेंगे,
इस कॉइल पे अगर आप देखेंगे 339 इस तरीके से जीआर वैल्यू आ रही है। तो ये 339 जीआर वैल्यू आने का मतलब है कि आपके वीपीएच के लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। जब वीपीएच के लाइन में शॉर्टिंग नहीं है तो आपका हैंडसेट क्या होगा, वीपीएच के लाइन ओके। अब इस वीपीएच की लाइन अगर आप देखेंगे, यही वीपीएच की लाइन तुम्हारा जो पीएफओ लगा हुआ है, इस पीएफओ में अगर आप देखेंगे इसका ये हिस्सा ग्राउंड से अगर आप चेक करेंगे तो ग्राउंड से चेक करने पर बीप देगा। जैसे आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें चेक करने पर बीप देगा, बीप दे रहा है, और इसमें चेक करेंगे तो चेक करने पर ये आपका वैल्यू देगा। ये जो वैल्यू वाला पॉइंट होता है, अगर आप इसको वीपीएच के कॉइल से चेक करेंगे तो वीपीएच के कॉइल से ये आपका क्या देगा, बीप देगा, दे रहा है अभी। तो बीप देने से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वीपीएच की सप्लाई तुम्हारा इस पीएफओ को जा रही है। दूसरी बात, यही वीपीएच की सप्लाई ये जो आपके मोबाइल फोन में जो 2G 3G पीएफओ इसको भी जा रही है, वही वीपीएच की सप्लाई इस कॉइल के माध्यम से आईसी को आ रही है, वही वीपीएच सप्लाई तुम्हारे जो सेकंड पावर आईसी लेके उसको भी आ रही है। इस तरीके से आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन को ये वीपीएच की सप्लाई जा रही है, और वीपीएच की सप्लाई से आपका पूरा मोबाइल फोन चला है। हमको क्या चेक करना है कि जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर जो वीपीएच की सप्लाई होती है, उस वीपीएच की सप्लाई को चेक करना सीखना है। अब वीपीएच की सप्लाई मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ पर जा रही है उसी को चेक करना है, ताकि उसके माध्यम से आप मोबाइल फोन में इस तरीके से फॉल्ट को डायग्नोज कर सके और मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम को आप ठीक कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आप लोगों ने वीपीएस में मदरबोर्ड में अगर शॉर्टिंग आती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका जानेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। और वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं डेड मोबाइल फोन के ऊपर, जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ या जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में आप आसानी से मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीख सकते हैं और डेड फोन में आप काफ़ी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप मेरी कई सारी वीडियो को वॉच करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सकें और अच्छा काम कर सकें। इनमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, वीडियो को डेली के डेली नोट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अब कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ही नहीं समझ में आती। अगर आप इसी तरीके से एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो, पूरा प्रैक्टिकल तरीके सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आप आकर के ट्रेनिंग ले सकते हो। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, ये कानपुर सागर मार्केट में है, और ये जो कानपुर रेलवे स्टेशन है, जस्ट इसके नियर अबाउट पास में 400-300 मीटर पैदल का वॉकिंग डिस्टेंस है। आराम से आ सकते हो, आ करके रह करके यहाँ पर सीख सकते हो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आया तो एक पॉजिटिव कमेंट भी करें कि सर हमको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।